देखिए जनाब, इस भारत न्यूज आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। बिजनौर में आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा होकर महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सदर को सौंपा। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए आगे क्या हुआ। आज कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर इकट्ठा होकर पार्टी दफ्तर पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। कांग्रेसियों ने ज्ञापन में कहा कि गत दिनों प्रधानमंत्री द्वारा बनारस के पुराने प्रतिष्ठित स्टेडियम के आधुनिक निर्माण का उद्घाटन किया गया। स्टेडियम के उद्घाटन के साथ स्टेडियम से जुड़ा बाबू संपूर्णानंद का नाम हटा दिया गया, जो काफी आपत्तिजनक और शर्मनाक ही नहीं बल्कि काशी एवं उनकी गौरवशाली विरासत का अपमान है। केंद्र सरकार के इस घृणित कार्य से काशी के लाखों लोग आहत हुए हैं। संपूर्णानंद जैसे लोकप्रिय जमीनी राजनेता का नाम किसी प्रतिष्ठान से हटा दिया जाना महज एवं काशीवासियों की भावनाओं का ही अपमान नहीं बल्कि काशी की विद्वत आचार्य परंपरा और सत्य त्याग नैतिक मूल्यों ईमानदारी की एक आदर्श राजनीति की प्रेरणास्पद विरासत और आजादी की लड़ाई के सेनानियों का भी अपमान है। दुर्भाग्य से इसे उस दल एवं उसकी सत्ता से जुड़े लोग नहीं समझ पाते हैं जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद तक भी नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की घृष्टता करते हैं। विडंबना तो यह है कि जिन संपूर्णानंद जी का बनारस वैदिक नामकरण वाराणसी कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये धरना दिया जा रहा है क्योंकि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी में जो मैं कहता हूँ एक भारत के रत्न थे, जो शिक्षा की क्रांतिकारी रहे संपूर्णानंद जी, उनके नाम पर एक स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो पार्टी के आह्वान पर हम इस बात का विरोध करते हैं। उन्होंने काशी नहीं, काशी के लोगों के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है कि एक महापुरुष जो एक शिक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी बहुत बड़ी एक क्रांति रही, जिन्होंने संपूर्ण विश्वविद्यालय की जो है नींव रखी, जिन्होंने भारत को नए भारत को एक रोशनी दी, उनका नाम बदल देना ये बड़े दुर्भाग्य की बात। इसी को लेकर के हम आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब के द्वारा हम जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।